नालासोपारा में 10 साल की अपहरण की गई लड़की का अभी तक सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें, तुलिंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के संतोष भवन इलाके से 2 अप्रैल को 10 वर्षीय लड़की का अपहरण हो गया था। अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। असईविरार में अप्रैल में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। आपको बता दें, यहाँ 10-10 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि पानी की किल्लत को लेकर विरार के मनवेलपाड़ा इलाके में महिलाएं सड़क पर उतर आई और प्रदर्शन करने लगी। अचोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के लिंग रोड स्थित वसंत नगरी इलाके में एक युवक पर 10 लोगों ने हमला कर दिया। सोनू राणा, स्वयं अंकित व अन्य आपस में मारपीट कर रहे थे। वहां गुजर रहे 30 कामले ने उन्हें अपने परिचित सोनू से झगड़े का कारण पूछा तो स्वयं ने चाकू से उस पर भी हमला कर दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, वसई विरार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को कोरोना के 12 नए मामले सामने आए और आज 8। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। 41 मरीजों का उपचार चल रहा है। चिकित्सा विभाग अधिकारी डॉक्टर भक्ति चौधरी ने कहा कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम ब्रांच 2 की यूनिट ने 24 वर्षीय चाइनीज नेचर अब्बास अमजद ईरानी को गिरफ्तार कर लिया है और 7 अपराधों का खुलासा किया है। वह कुल 3,31,500 रुपए का माल जब्त किया है, जिसमें 87 ग्राम सोने के आभूषण समेत एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के संबंध में नागरिकों को सतर्कता बरतने के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की ओर से आह्वान किया गया है।